हेलो, नमस्कार। नमस्कार। मैं बउआ और मेरे साथ थोड़ी नंद से किशोर बैरागी। कौन बोल रहा भाई? किस हम दोनों लोग बोल रहे हैं। अगर आप तैयार हैं तो क्या हम शुरू कर सकते हैं? बात के लिए तैयार हूँ, किस बात से शुरू करना? ये चर्चा होती है हर हफ्ते भाई साहब। भाई साहब कौन सी चर्चा, किस बात? जहाँ पर एक सामाजिक पहलू पर नंद किशोर बैरागी जी जैसा एक एक्सपर्ट और आप जैसा जनता का एक प्रतिनिधि समाज की गतिविधियों को नियंत्रित करके प्रकाश डालता है। किस बात की चर्चा हो रही है बता दो भाई। टॉपिक बता दूंगा ना, आप बोलो तो। दो मिनट लगेगा। ले ले यार मेरे दो गंदा मत बोलिए। तो मैं ये कहता था कि एक बड़े नेता की तस्वीर आई, वो संसद में सो रहे थे। जी जी भाई, देखा आपने? हेलो। हाँ देखा मैंने, वो भी सो रहा था। हाँ वही सो तो वही है कि अक्सर संसद के अंदर लोग सो क्यों जाते बैठे। इससे पहले भी कई तस्वीरें आई हैं। तो आज से नहीं, बहुत जमानों से ही संसद के अंदर उससे पहले भी जो है लोग सोते रहते थे। हाँ। ये कौन है भाई, कौन बोल रहा है और ये क्यों क्यों बता रहा है? एक्सपर्ट है ये बैरागी जी, नंद किशोर बैरागी एक्सपर्ट। अब तो मैं हमें बैरागी एक्सपर्ट है तो हमें कॉल करके। एक सेकंड रुकिए बैरागी जी। जी इससे पहले भी लोग झपकी लेते थे, सोते थे संसद में कई लोग। और वैसे क्यों, लेकिन कारण क्या है? देखिए, इसकी सीधी सी एक वजह है, जितने भी लोग संसद में काम करते हैं वो किसी ना किसी पार्टी से जुड़े। भाई साहब मानते हैं किसी ना किसी पार्टी से हैं? हाँ भाई, किसी ना किसी पार्टी से ही है। तो इससे मेरा ताल्लुक क्या है? एक सेकंड रुकिए, नहीं वो सोचे क्यों है इनके। पार्टी जो है देखिए कब होती है, रात को होती है पार्टी। हाँ ये रात को होती है। बैठ जी, वो म्यूजिक अब निकाल रहा हूँ। एक सेकेंड, वो सब जो अंदर बैठे होते हैं वो किसी पार्टी से होते हैं। पार्टी से आपने कहा पार्टी रात में क्या भाई, इशारों में बैरागी जी ने जवाब भी दे दिया। इन्होंने कहा था कि सभी पार्टी से हैं अंदर बैठे, और पार्टी रात को होती है, और अगर रात को पार्टी होगी तो दिन में तो सब सोएंगे। क्यों बैरागी जी? जी जी तो रात को पार्टी है तो दिन में तो आदमी सोएगा ही। वाह बैरागी जी, इनका नाम क्या है? चर्चा कहाँ हुई और पार्टी का? बैरागी जी इनका नाम क्या है? इनका नाम बबलटा सत्तू। आप बबलटा सत्तू हैं? अबे चल, नाम होगा बबलटा सत्तू, तेरे बाप का नाम होगा पागल। करिए बैरागी जी, ये चर्चा यही खत्म की जाएगी। कैमरामैन प्रकाश लोसन के साथ बबलटा सत्तू। बहुत ही बढ़िया रहा ये नंद किशोर बैरागी। भाई साहब आप हैं चल बसे? मैं हूँ, चल बताओ तू। चल बसे साले, बस कर टीजे। इस बार की चिट्ठी कहाँ से? इस बार की चिट्ठी मैक्सिको की गली नंबर 4 से है। पराठों को त्रिकोणी शेप देने वाली कुमारी रोजी अजवाइन कहती है, यू गाइस आर एफसी रॉकिंग। रोजी अजवाइन जी एफसी रॉकिंग नहीं होता, थैंक यू बैरागी जी। ट्रायंगल पराठे बनाती है। हेलो, नमस्कार जी। जी नमस्कार जी, मैं बउआ, मेरे साथ नंद किशोर बैरागी जी हैं। जी पहचाना नहीं मैंने, कौन बेटा? एक सेकंड, जान पहचान हो जाएगी। मैं नंद किशोर बैरागी, शुक्रिया बहुत बहुत हमारे साथ जुड़ने के लिए। जी क्या आप अगर तैयार? मैंने आपको पहचाना नहीं जी, आप तैयार हैं तो शुरू करेंगे, पहचान हो जाएगी। बताइए। हर हफ्ते एक विशेष चर्चा हमारे इस चैनल पर होती है, जहाँ भाई साहब। कौन सी चर्चा भाई? दो मिनट लगे, समझे आप हमारी बात? चाहे बताओ तो सही, कुछ बोलो तो सही। चलो, इन्होंने हाँ बोल दिया है। वैलेंटाइन डे का मौका है, प्रेम से काम लो। ठीक है भाई साहब, प्रेम से ही ले रहे हैं काम, हम कौन से काम ले रहे हैं? एक सेकेंड। हाँ तो बैरागी जी, इस हफ्ते का टॉपिक यही है कि जब भी प्रेम की बात आती है लोग कहते हैं टूट के प्यार करो। भाई साहब टूट के प्यार करो? टूट के कैसे प्यार होता है? वही तो, ये टूट के प्यार क्या होता है बैठा जी, इस पर प्रकाश डाले। देखिए, टूट के प्यार करना आज से नहीं, जमानों से चल रहा है। अच्छा, और अच्छा जी, आपको बहुत पता है इस बारे में। तो जो है इस एक मिनट, पूरे हफ्ते में प्यार अपने चरम पर रहता है। ठीक है, अच्छा जी, ये बड़ा मजे बोल रहे हो। पूरे प्यार के हफ्ते में प्रेमी प्रियसी क्या करती है इस दिन, अपने कहीं कहीं इस दिन जगहें ढूंढी जाती है, कोने कोने बैठते हैं, कोने में कहीं ना कहीं कोई किसी के कान में प्रियसी से कहता है चुपके। कहते कुछ नहीं है कान वान में, हमने भी वो देखे हैं। आपने देखा ही है, किया कुछ नहीं लग रहा है। नाराज तो कोने में जैसे प्रियसी कान में कुछ कहता है तो तभी समूह और दल के लोग आते हैं। अरे भैया कान में कुछ कहता नहीं है, पता नहीं क्या क्या करता है वो। नहीं नहीं नहीं, वो सब नहीं। तो जैसे ही देखिए, इन दोनों के पास, युगल के पास तो जरिया है प्यार करने का, सही बात है, पर उनके पास सरिया है। किनके पास? समूह वाले सरिया। जी हाँ, वो इतना सरिया कहाँ से आ गया भैया? एक जगह ना, सरिया या लठ या लकड़ी जो भी लाते हैं समूह दल वाले, और लड़के के पिछवाड़े पे धनादन धे धनादन
और जैसे ही उसके पिछवाड़े पे दे धनादन चलता है पढ़ते तोड़ देते हैं। हाँ, ये सही शब्द आपने हमें दिया, तोड़ देते हैं। तो इसी टूटन में भी जो दिल से निकलता है प्यार, अच्छा उसे कहते हैं। जो टूटने के बाद ही प्यार करता है टूटना प्यार कहते हैं। टूट के प्यार, वेरी गुड, क्या बात है। इनका नाम क्या बैठागी जी? इनका नाम है बोंकर बबलू। आप बोंकर बबलू हैं? तेरा बाप होगा बोंकर। आज लगता है टुटवा कर मानेंगे। तू टूट के प्यार हो ना, तोड़ दूंगा। नहीं तोड़ेंगे आप, बस करो। इस बार हमारी गॉड फोन रख दिया। इस बार की चिट्ठी बैठागी जी कहाँ से आई है? इस बार चिट्ठी से पहले स्माइली बना चुंबन भी आया है। ओ माय गॉड, मौका बहुत बड़ा है। तो चिट्ठी है कुवैत की बादाम मंडी से, वहाँ की जोजीला डाइऑक्साइड। ओ माय, लिखती है यू गाइस आर एब्सोल्युटली रॉकिंग ऑसम, ये आपसे टूट के प्यार करती है। बहुत बहुत शुक्रिया डाइऑक्साइड। डाइऑक्साइड जी आपसे रॉकिंग नहीं होता। शुक्रिया बैठागी जी, थैंक। हेलो, नमस्कार भाई साहब। हाँ नमस्कार भाई साहब, मैं बउआ बोल रहा हूँ। मैं नंदकिशोर बैरागी, आपका स्वागत है हमारे साथ जुड़ने के लिए। कौन बैरागी? बताएंगे आप, तैयार हैं? शुरू करें। क्या शुरू करना भाई साहब? हर हफ्ते एक चर्चा होती है। कौन सी चर्चा? जिसमें जनता की तरफ से आप जैसा एक प्रतिनिधि और बैरागी जैसा एक एक्सपर्ट होता है। भाई कौन बैरागी? एक सेकेंड, इतना उत्तेजित क्यों हो रहे हैं? ये एक्सपर्ट हैं यार बैरागी, मैं जानता ही नहीं था कौन हो। जान पहचान हो जाएगी, बस थोड़ा सा बातों को सुनिए और आगे बढ़िए, जाया मत कीजिए हमारा। उड़ता पंजाब का कॉन्ट्रोवर्सी बताए ना? हाँ हाँ, उसी पे हम चर्चा कर रहे हैं बैरागी जी को साथ रखकर। अच्छा, तो वो बताएंगे कि क्या मतलब इसका सोल्यूशन क्या है। भाई एक बात बताओ, उड़ता पंजाब में मेरे को क्या करना है इसका? आपको कास्टिंग करनी है, फालतू हमारे से इतना वक्त जाया मत कीजिए। और क्या, चुप करा पागल पीछे। एक सेकेंड, हाँ बोल। इस पिक्चर का कोई और रूप हो सकता है बैरागी जी? बैठा, बहुत ही अच्छी बात आपने कही है। पहले तो इसके अंदर कहानी बिल्कुल बदलनी चाहिए, इसके अंदर अश्लीलता को हटा करके संस्कार बनना, संस्कार। इसको कहानी का नाम होना चाहिए था उड़ता पंछी। उड़ता पंछी, एक पंछी की कहानी है जो उड़ना चाहता है। साँग, साँग। वो एक पनवाड़ी के यहाँ कैद है। तो एक देखेंगे, तो इसमें पहली बार जो पाउडर का इस्तेमाल किया गया, जिसे चिट्टा में कह रहे हैं, उस पाउडर को आप कैरम खेलने में इस्तेमाल करें। सिगरेट जो पी रहे हैं उसको क्या किया? अगरबत्ती उसकी जगह मुंह में पकड़ो। उधर एक लिखा है ड्रग्स दी मादी, ऐसा कुछ लिखा है, उसके आगे क्या लिखना है फिर? ड्रग्स दी मादी हटा करके जय माता दी कर दो। जय माता, वाह। अच्छा ये बता, सुन, शाहिद कपूर और आलिया भट्ट को भी हटाना? हाँ, वो बहुत जरूरी है। शाहिद कपूर को हटा करके अनूप जलोटा जी को लीजिए। अच्छा, और आलिया भट्ट की जगह अनुराधा पौडवाल। अच्छा अच्छा, फिर गाना क्या बन जाएगा? होगा गली 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 पंजाबी गीत गाने लगी ऐसी भूमि। नंगे आदमी दी नहीं होता वो। बंद करो, गलत बोल रहे बैठा जी। इनका नाम क्या है? रिटायर्ड जोशी। आप रिटायर्ड जोशी हैं? रिटायर्ड जोशी को तेरा होगा। रिटायर्ड जोशी, बैठ करो। रिटायर्ड नहीं, रिटायर्ड बंधु ध्रुमदल। ध्रुमदल बैठागी जी, इस बार की चिट्ठी कहाँ से आई है? इस बार की चिट्ठी स्विट्जरलैंड के सेक्टर 2 से। वाओ, सांप काटने पर जहर को चूस कर जमीन पर थूकने वाली वाह कुमारी रिस्की शंपा कहती है यू गाइस आर एफ से रॉकिंग। रिस्की शंपा का प्रोफेशन भी बड़ा रिस्की है बैठागी, लेकिन एफ से रॉकिंग नहीं होता। हेलो जी, नमस्कार अंकिल। नमस्कार जी, कौन? मैं बउआ बोल रहा हूँ। बउआ कौन? मैं, और मेरे साथ नंदी किशोर बैरागी जी। जी नमस्कार। नमस्कार जी, किससे बात करनी है आपको? आप तैयार हैं तो हमें आप ही से बात करनी है। तैयार किस चीज के लिए? इस चीज के लिए, एक बहुत बड़ा मुकाबला हर हफ्ते। हेलो, कौन सा मुकाबला? कौन सा मुकाबला? इस पे चर्चा होती है किन्हीं सामाजिक पहलुओं पर, और एक आदर्शवादी एक्सपर्ट नंद किशोर बैरागी जी हमारे साथ होते हैं। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और जनता की तरफ से हर हफ्ते होते हैं एक प्रतिनिधि। बैरागी जी कौन है? ये एक्सपर्ट है हमारे। इस चर्चा में अगर आप शामिल होना चाहते हैं तो अपनी हामी भरिए। और अगर शामिल नहीं होना चाहते तो? यार कोई जिम्मेदारी है समाज के प्रति। अरे भैया, क्या क्या जिम्मेदारी है? बैरागी जी, जी आज की चर्चा का विषय है कि उल्टा चोर जी कोतवाल को डांटे। ये मुद्दा है? बचपन में पढ़ाई लिखाई करी नहीं करी? क्यों, क्या हुआ? मुहावरा है भैया, मुहावरा। तो मुहावरा भी एक मुद्दा नहीं बन सकता? मुहावरा मुद्दा कैसे बन जाएगा? ए, गंदा बोल रहे हैं आप। एक छोटे से ब्रेक के बाद बैरागी जी, इनके अपशब्द के लिए मैं माफी चाहूँगा। तुम दोनों नहीं, मैं बउआ हूँ, ये बैरागी जी हैं।
ये तुम्हारा जो मुद्दा है दिमाग की करेंगे, दिमाग का हम कुछ नहीं करेंगे। छोटा चबड़े उल्टा चोर कोतवाल को क्यों डांटता है? पहली बात ये है, बता हाँ बताइए, पहली बात ये है कि डांटने के लिए कोतवाल होने की जरूरत, बहुत बड़ा खुलासा है, डांटने के लिए कोतवाल होने की जरूरत नहीं है। बचपन में आपने कुछ भी चुराई, छोटी मोटी चीज, वो आपके पिताजी डांटते थे, क्या वो कोतवाल थे? बहुत बड़ी बात बोली इन्होंने, वो कोतवाल तो नहीं। एक सेकंड, छोटा सा ब्रेक और स्वागत है फिर से। बार बार ब्रेक ले रहे हो, एक छोटा ब्रेक अपने में भी ले लो। नहीं बैरागी तो नहीं, गंदा मत बोलिए, उल्टा चोर कोतवाल को क्यों डांटता है? उल्टा क्यों? देखिए चोरी करना घिनौना काम है। भाई साहब आप लाइन पे हैं? बकवासी करो करो लाइन पे हूँ। रूठिए नहीं, चोरी करना घिनौना घिनौना काम है, और जिससे कि चोर चोरी करने के बाद अपना मुंह नहीं दिखा पाता, क्योंकि वो मुंह दिखाने लायक काम ही नहीं करता। बिल्कुल, इसलिए वो क्या होता है, उल्टा हो जाता है, अपना मुंह छुपा लेता है। एक सेकंड, जैसे ही वो उल्टा होता है वो कमर दिखाता है, पैर दिखाता है, टांगे दिखाता है, पीठ दिखाता है, पीठ दिखाता है। भाई साहब ऐसे तो भी दिखा सकते, वही वो तो दिख ही रही है, आप देखना ही वही चाहते हो तो वो देखना। तू चैन नहीं, वो उल्टा होता है, वो कोतवाल को डांट देता भी ना मुझे, इसलिए बड़ा सवाल इस जागरूक नवयुवक का फिर से मैं जनता के समक्ष रखना चाहता हूँ, जनता के प्रति। आप पूछ रहे हैं कि वो कोतवाल को क्यों डांटता भैया? क्यों डांटता भैया? देखिए मैंने बहुत सी चीजें बता दी है, इनका जो बेहुदा सवाल है उसका ठेका नहीं लिया हुआ। चपलेश जी, ये इतने सवाल अगर आपको पूछने हैं तो जाके सीबीआई में भर्ती हो जाइए। कौन चपलेश जी? चपलेश कौन है? चपलेश इनका नाम लिस्ट में दिया हुआ, चपलेश चंद। आप ही दोनों के आपको अगर बोलना है, बैरागी जी बात करिए। जी बोलिए। बैरागी जी क्या बात करेगा, बड़ा अच्छा बोलते हो, कहीं भाषण क्यों नहीं देते? देख रहा हूँ, सुन नहीं रहा। चपलेश जी आपका बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। चपलेश होगा तेरा बाप। फोन कट गया, अगले हफ्ते फिर से इसी चर्चा में मुलाकात होगी। मेरे साथ नंद किशोर बैरागी जी, बहुत शुक्रिया। मैं बबुआ और कैमरामैन प्रकाश लोसन। Wishes you a very happy new year. हेलो, नमस्ते अंकल। कौन अंकल? बिल बहुत ज्यादा आ गया इसमें। मैं बउआ बोल रहा हूँ, पीछे से जो आवाज आई वो बैरागी जी की है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। बैरागी जी कौन? ये सब बताएंगे क्या? आप तैयार हैं? हम शुरू करें? हर हफ्ते एक स्पेशल चर्चा होती है जहाँ पर आप जैसा जनता का एक प्रतिनिधि, हेलो हेलो, और बैरागी जी जैसा एक एक्सपर्ट उस चर्चा पर अपनी विशेष टिप्पणी देता है। यार मेरे को किस लिए फोन मिला है ये बताओ ना। इसमें भागी लेने के लिए। कौन सा? मेरे को नहीं चाहिए कोई भाग यार। दो मिनट भाई साहब, ऐसा आक्रोश क्यों? आखिर हमसे मोहब्बत कीजिए। अब मोहब्बत तेरे से करूँगा मैं। हेलो एक सेकंड, सॉरी मैं, प्लीज जल्दी बोलिए, जल्दी जल्दी। हाँ तो इस बार का मुद्दा यही है भाई साहब की अप्रैल फूल। हाँ। तो अप्रैल फूल क्यों कहा जाता है, अप्रैल फल क्यों नहीं कहा जाता? बहुत सही बताइए बैरागी जी। बात आज की नहीं है, बहुत जमानों से गांव गबलेटपुर, गांव गबलेटपुर में महाराज तुंग ध्वज ने, हाँ जी, उनकी बीवी ने इनफैक्ट चार बच्चों को जन्म दिया। वाह। प्रसूति केंद्र की डॉक्टर ने, डॉक्टर सद्भावना चितकौर ने बाहर आकर बताया। कौन सी डॉक्टर? सद्भावना चितकौर। भाई जब आप सुन रहे हैं, डॉक्टर का नाम बोलिए दोबारा। सद्भावना चितकौर, इनके दस्तखत भी भिजवा दूं तुम्हें। जैसे नाम ले रहा तुम। एक सेकंड रुकिए, तो उन्होंने क्या बताया उन बच्चों का? बच्चों का तुरंत नामकरण हो गया। नामकरण हो गया? क्या नाम रखा है? बच्चे का नाम सब्र रखा गया, ठीक है, एक का इंतजार, ठीक है, एक का परिश्रम, हाँ जी, और चौथा जो सबसे बड़ा बेटा था उसका नाम अप्रैल रखा। अप्रैल रखा गया, ठीक। एक भाई से पूरा सुनिएगा,
तो पूरा गांव गबलेटपुर खुशी की लहर के मारे फल और फूल लेकर कहाँ पहुँची? प्रसूति केंद्र डॉक्टर सद्भावना के पास। अरे वाह, इनका कुछ सद्भावना चितकोट पुराना लगता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो जैसे ही गांव वालों ने वो फल बच्चों के आगे रखे तो तीन बच्चे परिश्रम इंतजार और सब्र बहुत ही ज्यादा फल की ओर आकर्षित हुए। टूट पड़ी, एकदम फलों को करने लगे। तो तीनों लड़ने लगे, तीनों लड़ने लगे उस फल के लिए। वाह। तो सबसे बड़ा बेटा जो था अप्रैल, बहुत ही शांत था। उसने कहा ये तीनों लड़ रहे हैं फल के लिए, मैं फूल रख लेता हूँ। उसी दिन से मेहनत का फल होता है, सब्र का फल होता है, परिश्रम का फल होता है। ये हुई ना बात। और अप्रैल का भाई साहब, अप्रैल का फूल होता है बैरागी, तो अपनी डाल लो। बहुत बढ़िया बिल्लू भगंदर, आपका नाम बिल्लू भगंदर है? उसके बाप को बैरागी जी के बाप का नाम गलत बोल रहे हैं आप, ये चर्चा यहीं समाप्त की जाएगी। बिल्लू भगंदर गलत बोले बैरागी जी, बड़ी चिट्ठी कहाँ से आई है? इस बार की चिट्ठी बहुत ही रोमांचक है। वाह। कंधार प्रांत सेक्टर 4। अच्छा, कंधार में सेक्टर 4 भी है। वहाँ के ISIS के गुंडों को तंबाकू रगड़ के देने वाली कुमारी चिमटी लाहौर कहती है यू गाइस आर एफ से रॉकिंग ऑसम। चिमटी जी एफ से रॉकिंग नहीं होता। थैंक यू लाहौरी। हेलो, गाड़ी अगर आपके पास इंच है तो उससे भी आ जा सकता है। और क्या? हेलो साधना जी, भाई साहब नमस्कार। नमस्कार, मैं बउआ, मेरे साथ नंदकिशोर बैरागी जी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका। पहले तो आप बउआ कौन है और ये नंदकिशोर बैरागी जी कौन है? बैरागी जी हमारे एक्सपर्ट हैं। जानते तो फिर क्या ही फायदा है। आप रेडी हैं तो दो मिनट में मैं बता दूंगा। किस चीज के लिए बताइए? एक चर्चा जो हर हफ्ते होती है, एक मुद्दा लिया जाता है। हाँ हाँ, एक मुद्दे पर आप जैसा एक जनता का प्रतिनिधि और बैरागी जी जैसे एक एक्सपर्ट चर्चा करते हैं। देख भाई, टाइम तो है नहीं, अगर थोड़ा जल्दी करना है तो जल्दी। हाँ देखिए, ऑड इवन दिल्ली में आ चुका है, उसी का मुद्दा है कि बैरागी जी ऑड और इवन हैं तो दोनों अंक ही। हाँ, तो ऑड और इवन कह के इनमें बंटवारा क्यों, बांटने की राजनीति क्या है ये? मतलब बताइए। बताइए। हाँ बताइए। बहुत बढ़िया। देखिए, बात आज की नहीं है, सन 1928 से ही गांव आकड़ापुर में महाराजा अकाउंट, आकड़ापुर आकड़ापुर एक गाँव, महाराजा अकाउंट, महाराजा अकाउंट की बीवी पराली धन्नो के दो बच्चे थे, सम और विषम। वाह, व्हाट अ नेम, सम एंड विषम, पराली धन्नो। पराली धन्नो बहुत चिंतित थी कि बच्चे पढ़ेंगे तो कहाँ पढ़ेंगे, कहाँ, उस समय विद्यालय नहीं था। ठीक है। अच्छा। तो उन बच्चों को महाराजा अकाउंट ने पढ़ने के लिए विदेश विदेश भेज दिया। वाह, वेरी नाइस। तो वहाँ उन लोगों ने पता लगाया कि ऑड और इवन आखिर होता क्यों है। सुन मेरी बात। इवन मतलब होता है अच्छा, ऑड मतलब टेढ़ा। क्या बैरागी जी आप सहमत हैं इनकी बात? बहुत सही बोला। एक सेकंड, दो को इवन क्यों कहा गया है? सीधा सा है कि एक से भले दो होते हैं, इसलिए दो इवन इवन है। तीन ऑड, तीन तिगाड़ा काम दिया था, इसलिए तीन ऑड है। और भाई साहब सुन रहे, चार इवन क्यों है? चार इवन इसलिए है, चार लोग क्या कहेंगे, इस डर से आप अच्छा काम करते हैं। पाँच, पाँच अपने आप में आपको क्या कहूँ, पंजा। हाँ। पंजे की हालत तो जानती, मैं नहीं बोलना चाहती पर कोई टिप्पणी नहीं। अच्छा, छह, छह, छह जो अपने आप में बड़ा, एक गेंद पर अगर छह पड़ जाए क्या, तो मैं चैंपियन, इसलिए इवन ये हो जाता है। और सात, चपड़ गंजू, एक सात क्यों, साथ में इतनी बड़ी बात राजकीय प्रोडक्शन ने बताई, हम साथ साथ हैं, उसके बाद चिंकारा को मारा, इसलिए सात और है। भाई साहब क्यों गलत बोल रहे हैं आप, बैरागी जी इतना अच्छा बता रहे हैं। आठ का क्या है, आठ का क्या है? आठ का तो यह है कि आपको पढ़ सकती है लात, सब कुछ मैं ही बताऊंगा, पढ़िए नौजवान। गलत बोल रहे हैं पट्टे। ओए, कोई और नंबर पूछना है आपको? इक्यावन क्या है? इक्यावन, इक्यावन फिफ्टी इक्यावन में अगर आप बावन का पहाड़ा जोड़े तो दिन दिहाड़े डाकू जो है गाँव पंकापुर में आकर के चोरी करके निकल जाते हैं। आप खुद जीरो। इनका नाम क्या है? ब्रूटल बबलू। इनका आप ब्रूटल ब्रूटल बबलू कौन है? बस करिए, गलत बोल रहे हैं। आर्यभट्ट का और बैरागी जी का खराब लगेगा आपको। इस चर्चा को यही खत्म करेंगे। बैरागी जी, इस बार की चिट्ठी कहाँ से आई है? इस बार की चिट्ठी जाम्बिया की राजधानी त्रिफलाकूट से। वाह। चवन प्रास में गुड़ मिलाने वाली दासनी बिल्लो कहती है माय गॉड, यू गाइस आर एफ से रॉकिंग होता है। दासनी बिल्लो एफ से रॉकिंग नहीं होता। थैंक यू बिल्लो। हेलो भाई साहब नमस्ते। हाँ जी नमस्ते, मैं बउआ बोल रही हूँ। हाँ जी बोलिए। मेरे साथ बैरागी जी भी हैं। नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। सर कौन बैरागी? आप तैयार हैं तो हम सब बताएंगे। बोलो क्या। एक स्पेशल चर्चा हर हफ्ते होती है भाई साहब। अच्छा। जहाँ पर एक मुद्दा लेते हैं, बैरागी जी एक्सपर्ट होते हैं और आप जैसा जनता का एक कौन बोल रहा भाई, क्या कह रहा है तू? ये जनता का एक प्रतिनिधि। चल वही कर चर्चा। ये कह रहे थे कि हाल ही में एक गाना बड़ा फेमस हुआ है, ये गाना सुनिए।
सुनेगा ना? हाँ, वेस्ट इंडीज वाले गाने थे ना जीतने के बाद। वाह, वेरी गुड बेटा, जनरल नॉलेज बहुत तेज आपका। लेकिन वेस्ट इंडीज वाले अभी गा रहे हैं। अच्छा, बैरागी जी की हिसाब से ये गाना काफी पुराना। बैरागी जी, क्या है इस गाने के पीछे की कहानी? देखिए, गाने का इतिहास आज का नहीं, पुरातन काल में जब समुद्र मंथन हुआ और देवताओं ने असुरों पर जीत दर्ज की, तो पहली बार स्वर्ग में अप्सराओं ने किया था। चैंपियन चैंपियन कौन है? यानी एक सेकंड, बैरागी जी कह रहे हैं जब जब असत्य के ऊपर सत्य जीता है, चैंपियन बना है कोई ना कोई। बिल्कुल, जैसे रावण को मार कर राम चैंपियन बने, कौरवों की सेना को खत्म करके खुद कृष्ण चैंपियन बने, ठीक है, और उसके बाद हनुमान ने लंका जला करके चैंपियन बने। भाई मैं क्या करूँ जान के, यहाँ तक की सुनिए। एक सेकंड बैरागी जी। हाँ, और इन सबके अलावा भी हमने 1947 में सत्य की जीत हुई थी, हमने अंग्रेजों को खदेड़ा। वाह, आजादी मिली थी। बिल्कुल, और उस दिन भी हम बने थे चैंपियन। और उसके बाद 2016 में जब हमें मौका मिला, फाइनल में नहीं आ पाए, लेकिन भारतीयों ने पहले ही बता दिया था वेस्ट इंडीज को कि इस बार आपका सामना अंग्रेजों से होगा। तो आपने लेकिन मूल मंत्र चैंपियन को पकड़ के, और उन्होंने अंग्रेजों को हराया और चैंपियन गाना गाया। क्या वो बच्चा है? हाँ, तो डिप्रेशन चावला, आप ही चैंपियन। आपका नाम डिप्रेशन चावला है? अरे चेंज कर लिया उन्होंने, कुछ और बताया। इन्होंने फोन कर दिया बैरागी जी, थैंक यू वेरी मच। इस बार की चिट्ठी कहाँ से आई है? इस बार की चिट्ठी बहुत ही प्यारी, जरा फंगोला, वहाँ से मृग मरीचिका। कौन? मृग मरीचिका। अरे वाह, वो कमीज में बटन फिट करती है। अच्छा, वो कह रही है यू गाइस आर एफसी रॉकिंग। एफसी रॉकिंग नहीं होती, चैंपियन हो आप मृग मरीचिका। हेलो जी, नमस्कार। नमस्कार नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। कहाँ जुड़ने? नहीं, ये बैरागी जी की आवाज थी, मैं बउआ बोल रही हूँ। अगर आप तैयार हैं तो हम बताएं आपको शुरू करके। कहाँ के लिए तैयार? एक अद्भुत चर्चा जो हर हफ्ते होती है, ताबड़तोड़ खबरें इस चैनल पे। भाई साहब जी, शायद आप कहीं ट्रैफिक में फंसे, बड़ा शोर आ रहा है पीछे से। तो एक मुद्दे पे हम चर्चा करते हैं जहाँ पर बैरागी जी जैसा एक एक्सपर्ट होता है और आप जैसा एक जनता का प्रतिनिधि। अच्छा, तो किससे पूछ के बनाया प्रतिनिधि? अब पूछना? अच्छा, क्या इसमें जिम्मेदारी की बात होती है? जनता के प्रति, मतलब समाज के प्रति आपका दायित्व से निभाइए। बोलिए, कर सकते हैं क्या, थोड़ा समय निकाल सकते हैं? जल्दी करो फिर, जल्दी करो फिर। इन्होंने हाँ बोल दिया बैरागी जी, चर्चा शुरू की जाए। इस बारी की चर्चा का मुद्दा ये है कि भेड़ चाल। जी, भेड़ चाल, जैसे आपके पीछे जो आवाज आ रही हो, भेड़ चाल का एक हिस्सा ही है। हेलो। अरे भेड़ चाल क्या होती है? शतरंज में तो सुना है घोड़े की चाल, हाथी की चाल, ऊंट की चाल। है यही सवाल कि भैया ऊंट, हाथी, घोड़ा, हाँ, इनकी चाल होती है भेड़ चाल। बैरागी जी की आप ध्यान दीजिए, हाँ, भेड़ के साथ जुड़ा होता है ऊन, भेड़ से ऊन निकलते, सही बात है, ठीक है। भेड़ चलती है, ऊन उगती है, हाँ, ऊन से क्या जुड़ी हुई है? सर्दी, स्वेटर, सर्दी स्वेटर, ठीक है। सर्दी से क्या जुड़ा हुआ है हमारी दिल्ली? दिल्ली, हाँ, दिल्ली सबसे ज्यादा। भाई साहब जी, महानगरों में सबसे ज्यादा सर्दी दिल्ली में ही होती है। और दिल्ली में क्या है? संसद, संसद भी है। संसद देश चलता है, देश चलता है, और देश चलाने के लिए क्या चलना पड़ता है? चाल। बहुत बढ़िया, तो आपको मैं बता दूं कहानी शुरू हुई थी, भेड़, ऊन, स्वेटर, सर्दी, दिल्ली, संसद, चाल। वाह वाह वाह, क्या कनेक्शन है बैरागी जी, यानी बात शुरू हुई भेड़ से और खत्म हुई चाल, चाल पे, इसी को कहते हैं भेड़ चाल। बहुत बढ़िया, भेड़ जवाब, आपने तो जवाब भी बिल्कुल पहली बार। क्या नाम है इनका बैरागी जी? जबरेश रोहिला। जबरेश रोहिला, जबरेश रोहिला जी। ये किसका नाम है? आपका नाम कागजों में आया हुआ हमारे पास। सिर्फ आपका नाम होगा जबरेश रोहिला। बच गए, एक सेकेंड, प्यारा सीखेंगे तो। पीछे जो हॉर्न बज रहा है आपके कान में डाले जाएगा, कैसे कान? मैं तेरी में डाल दूंगा पूरे। अभी आप स्कूटर चढ़ने वाला जो है, आया पीछे। अब तेरी चढ़ा रहे पीछे। जबरेश फोन रखो, दिमाग से अमीर नंदगी जोड़ बैरागी जी फोन कर। लेकिन इस बार की चिट्ठी कहाँ से आई वो पढ़ा दो। की चिट्ठी बहुत ही प्यारी जगह, टोरंटो, आपने सुना? टोरंटो काफी सुना है। टोरंटो के गांव जाहिलपुर से मोमोज की चटनी पीसने वाली फेंगसुई बत्रा, फेंगसुई खुद कहती है कि यू गाइस आर एफ से रॉकिंग। थैंक यू फेंगसुई बत्रा, लेकिन एफ से रॉकिंग नहीं होता, जो भी होता है फेंगसुई, वी लव यू। ओके, थैंक यू। हेलो। हेलो जी, नमस्कार। नमस्कार जी। जी मैं बउआ बोल रहा हूँ, मेरे साथ नंदकिशोर बैरागी जी भी हैं। स्वागत है आपका। क्या कहना है? आप अगर तैयार है तो हम शुरू करें। क्या भाई, ये स्पेशल चर्चा भाई, जहाँ पर हर हफ्ते एक मुद्दा लिया जाता है, आप बैरागी जी और आप जैसे जनता का एक प्रतिनिधि।
जुड़ता है और चर्च। हेलो चलिए मुझे निबंधन प्रतिनिधि फोन रख दे तो क्या। सुन लीजिए प्लीज बैरागी जी, इतने समय निकाल कर आए प्लीज। तो चल सुना तो सुनाए। बहुत बढ़िया, इस हफ्ते की जो चर्चा है बैरागी जी, जी तो कहते हैं ना शादियों का मौसम है चट मंगनी पट ब्याह। क्यों कहते हैं कि चट मंगनी पट ब्याह, यही चर्चा का मुद्दा है। प्लीज भाई साहब बैरागी जी बताएं। एक जगह है, है? गूजबमपुर में दो भाई। कौन सा बम? गूजबम। गूजबमपुर में क्या हुआ था? दो भाई थे चटपट, चटपट नाम के दो भाई। लट लट नहीं है ये तो बहरा कहाँ मिला दिया जाए। सॉरी बताइए। यहाँ गाँव गूजबमपुर में दो भाई थे चटपट। अच्छा दोनों जुड़वा थे। जुड़वा के पिता चुनस्पति और माँ वनस्पति ने। अरे भाई तू कहाँ से नाम लाए निकाल के वनस्पति और तेल। नहीं नहीं चुनस्पति और वनस्पति ने चट की मंगनी तय कर दी डेजी फंटोस। तो शादी की तैयारी चलने लगी जैसा कि होता है मंगनी के बाद। हाँ जी। लेकिन अचानक चट को फोन आया कि उसका लखीमपुर खीरी का वीजा लग गया। लखीमपुरी जाने के लिए वीजा। चट जो था बहुत ही अच्छा लड़का था, करियर को चुना और तुरंत वीजा पकड़ते ही। एक सेकंड मंगनी से हट गया। एक सेकंड मंगनी से तो फिर क्या हुआ? गाँव में बेइज्जती ना हो चुनस्पति की, इसके चलते चुनस्पति ने छोटे भाई पट को ब्याह के लिए राजी कर। क्योंकि जुड़वा थी तो इससे फर्क पड़ता नहीं, पड़ता नहीं था। चट की मंगनी हुई और पट का ब्याह हुआ, इसीलिए चट मंगनी और बात करिए। क्या बात कर रही है? बात करिए बैठा चुनस्पति नहीं है। बैठागी जी, बैठागी जी सुनिए। हाँ जी पम्पकिन खत्री बताइए। पम्पकिन खत्री नाम है आपका? पम्पकिन तेरा पाप होगा। चर्चा को यही खत्म करते हैं। कैमरामैन प्रकाश लोशन के साथ मैं बहुआ और नंद किशोर बैरागी जी। बड़ी अच्छी लगी है चर्चा पम्पकिन खत्री के साथ। इस बार की चिट्ठी कहाँ से आई? इस बार की चिट्ठी बहुत ही जहरीली चिट्ठी है, मैं खुद नाम पढ़ के चकित हो गया। क्या नाम है? वियतनाम के छोटे से गांव डूंगरपुर से सल्फास बानो लिखती है। यू गाइस आर एफ से रॉकिंग ऑसम। सल्फास बानो जी एफ से रॉकिंग नहीं होता। थैंक यू शुक्रिया। बहुत बहुत सल्फास खा।